तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग का जो इंटरनेट ब्राउजर होता है दोस्तों, उसके अंदर एक नया अपडेट आया है। नए अपडेट के आने के बाद उसमें कोई नए फीचर को एड ऑन किया गया है। क्या यह नया अपडेट है और क्या फीचर को एड ऑन किया गया, आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा तो ये आप समझ पाएंगे। चलते हैं आगे। मेरा नाम सनी अरोरा और आपका स्वागत है मेरे चैनल एसए टेक में। तो उसमें जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बताने वाला हूँ सैमसंग इंटरनेट ब्राउजर के नए अपडेट के बारे में। तो उसके लिए मैं आपको ले जा रहा हूँ यहाँ पर गैलेक्सी स्टोर में। गैलेक्सी स्टोर में जाएंगे तो आपको माय अपडेट में मिल जाएगा कि नया अपडेट आपको यहाँ पर आया है। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों ये नया अपडेट क्या आया है। पहले तो बता दूँ, इस अपडेट का वर्जन है 18.00.58, मतलब कि वर्जन 18 पे ये अपडेट आया है, जो कि 8 अगस्त 2022 को रोल आउट किया गया है। मतलब कि आज ही के दिन उसको रोल आउट किया है, जो 100 MB का अपडेट है। अब जब तक ये अपडेट होता है हम ऊपर की उसको रीड कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों इस अपडेट में क्या चेंजेस किए गए हैं। प्रोवाइड एन ऑप्शन टू मूव द URL टू द बॉटम ऑफ फोल्ड डिवाइसेस। अगर आपके पास फोल्ड डिवाइस है तो आप जो उसका URL है उसको अप डाउन बॉटम से भी चेंज कर सकते हैं। तो मेरे पास फोल्ड डिवाइस तो है नहीं, मैं आपको ये वाला फीचर तो नहीं बताऊंगा। जो नीचे वाला जो फीचर दिया वो बहुत कमाल का दिया है, सपोर्ट ओपन लिंक फ्रॉम अदर ऐप इन सिक्योर्ड मोड। मतलब कि अगर आप कोई दूसरी थर्ड पार्टी ऐप से, या फिर बोल सकते हैं कोई व्हाट्सअप से या कहीं से भी किसी लिंक को क्लिक करते हैं, तो आप अब उसको ऑटोमेटिक सीक्रेट मोड पे खोल सकते हैं। आपको डायरेक्ट उस ब्राउज़र पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पर यही दो नए अपडेट है, तो अब इसको अपडेट होने देते हैं। अपडेट के बाद देखते हैं कि कैसे अपन इसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों जो यहाँ पर जो अपडेट दिया है सेकंड नंबर पर, जो मैं बताने वाला हूँ, सपोर्ट ओपन लिंक फ्रॉम अदर ऐप टू इन सिक्योर्ड मोड। तो ये कैसे वर्क करेगा, तो सबसे पहले आपको इंटरनेट ब्राउजर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको करना है क्या है, सीक्रेट मोड को ऑन कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने सीक्रेट मोड को ऑन कर लिया। आप देख रहे होंगे मेरा डिवाइस यहाँ पर सीक्रेट, उस पर बोल सकते हैं कि मेरा जो ब्राउजर है अभी फिलहाल सीक्रेट मोड पे। अब मैं उसको यहाँ से बंद कर देता हूँ। अब मुझे कोई से भी लिंक को सिक्योर फोल्डर में खोलना है। तो जो नया अपडेट वो ये है, मान लो मैं अपने व्हाट्सएप पे आया, व्हाट्सएप पे आने के बाद ये मेरे पास कोई लिंक आया है, अब मुझे उसको सीक्रेट मोड पे खोलना है इंटरनेट ब्राउजर के। अब सिंपली मैं इसमें क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिक आप देखेंगे वो सिक्योर फोल्डर पे ही खुला है। आप देख सकते हैं सिक्योर्ड उस पे ही खुला है। अब यहाँ पर देख भी लेंगे तो आपको पता चल जाएगा आपने सिक्योर्ड मोड पे ही इसको खोला है। मतलब कि आप इजीली लिंक पे क्लिक करके सिक्योर मोड पे खोल सकते हैं विदाउट उस ऐप पे जाए हुए, मतलब कि विदाउट इंटरनेट ब्राउजर को ओपन करे हुए। तो ये जो कमाल का अपडेट आया है यार, ये तो मुझे बहुत ही पसंद आया है। हमारे पास बहुत सारे लिंक ऐसे आते हैं जिसको हम नहीं खोलना चाहते, बट देखना भी है ये क्या आया, तो हम उसको सीक्रेट मोड पे ऑन करके देख सकते हैं और बाद में हम उसको चाहे यहाँ से क्लोज कर दें। तो यही अपडेट था और यही एक ही फीचर यहाँ पर एड ऑन किया गया है। तो दूसरा फीचर है वो फोल्ड डिवाइसेस के लिए। अगर आपके पास फोल्ड डिवाइस है तो वहाँ पर आप अब URL का जो बार है उसको मूव कर सकते हैं अप टू बॉटम। तो थैंक यू दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो रियल में पसंद आई तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है उसमें वीडियो कुछ कमी है तो मुझे डिसलाइक भी सकते हैं, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये मेरी वीडियो में क्या कमी लगी, मैं उसको आगे से सुधारने की कोशिश करूंगा। और सबसे ज़रूरी चीज़ यार, मेरे वीडियो को देखते तो बहुत सारे लोग हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। ऐसा मत किया करो यार भाई लोग, चैनल सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलो, और साथ में नोटिफिकेशन वाला दबाना भी ना भूलो, ताकि जैसे ही मैं नई अपडेट डालूं आपको सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। तो थैंक यू दोस्तों। और एक चीज़ और यार, लास्ट एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ, आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों।